वेंचुद बॉर्डर पे जिन लोगों ने क्रॉस किया है ना, उन लोगों के साथ वेंचुद ये स्क्विड गेम जैसी बकचोदी कर रहे हैं। हमारी एक फ्रेंड है उधर, उनको बोला कि बोले जिन तुम्हें वीज़ा चाहिए तो तुम्हें एक हंटर्स गेम करके वेंचुद खेलना पड़ेगा, तुम वो खेलोगे तभी तुम्हें वीज़ा मिलेगा। और इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं बंदों को, बंदों को तो मार रहे हैं, और लड़कियों को एक बंदी का तो हार्ट टूट गया। और ये बॉयकॉट सब इसलिए चल रहा है क्योंकि वो नाटो का वोट था यूएन का, कि बोले इंडिया ने एब्सटेंट वोट किया, तो बोल रहे हैं कि बोले तुम लोग हेल्प नहीं कर रहे, तो मतलब ये ऑब्वियस है कि वो लोग हमारी हेल्प क्यों करेंगे, इसलिए वो बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये पोलैंड बॉर्डर तो बहुत ज़्यादा चुती हुई है, रोमानिया की इतनी यूज़ नहीं आ रही। अभी जो भी होप है वो हंगरी की बॉर्डर से ही है, बट वो भी हमें पता नहीं है इतना, क्योंकि न्यूज़ कुछ श्योर नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेशन है टू रिलाई ऑन समथिंग। टाइम बस एक मतलब स्प्रेड करते रहोगे ना कि भाई हेल्प चाहिए, ये है हमारे स्टूडेंट्स स्टक है फलाना ढीकना ये वो, क्योंकि हमें अभी एक फ्लैट में रह रहे हैं, हम 12 जने हैं इधर, अभी शॉप्स खुली है वो, तो राशन वाशन लाना कुछ दिक्कत नहीं है, सब सब चल रहा है। बट अगर फिर शॉप्स बंद होने लग गई, कर्फ्यूज लॉन्गर हो गए, तो फिर तो लोचे हो जाएंगे। ये यूक्रेनियन यूक्रेनियन पुलिस वाले और ये सब हैं ट्रेन में, हम लोगों को फिर भी है, अफ्रीकन स्टूडेंट्स और इन लोगों को तो ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दे रहे। अफ्रीकन स्टूडेंट्स के तो अफ्रीकन खुद एम्बेसी कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, तो वो लोग खुद एस्केप करने की ट्राई कर रहे हैं। उनके साथ तो भयंकर हो रहा है कि मतलब किसी को चढ़ने ही नहीं दे रहे ट्रेन में। ट्रेन में है ना हर जगह से भीड़ है, लोग एज तक खड़े हैं, और जैसी ट्रेन आती है बट किसी को जो घुस पा रहा है घुसने देते, बाकी आधे लोगों को घुसने ही नहीं देते।